हेलो बच्चों, देखें आज मैं आपके लिए वेरिएबल सेपरेबल पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिएगा इसके लिए किस तरीके से करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल और वीडियो चल रही है तो किस तरीके का क्वेश्चन होगा, देखें। टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है टॉपिक। तो यहां पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास में, देखें सॉल्व। कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स, ये गिवन है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब तक किस प्रकार से था, जैसे मेरे पास सपोज कीजिएगा इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई थ्री वाई और डी वाई इक्वल टू डी एक्स। तो देखो हमें वाई और एक्स हमारे पास में क्या दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर हम इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वाई हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या इसे सेपरेट किया जा सकता है वेरिएबल्स को? तो देखो वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है, यहाँ पर वाई कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई इक्वल टू डी एक्स, वाई को डी वाई के पास ही रखा और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी एक्स। ये अब इसे हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, डी एक्स। तो देखो स्टूडेंट्स, बाई का इंटीग्रेशन बाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू, यहां इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां इंटीग्रेशन देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शुरुआत में ही ले लें या लास्ट में, जब लास्ट इंटीग्रेशन करें उस पीरियड में भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री टू द होल पावर टू, ये अब देखो ये इंटीग्रेशन किस प्रकार की फॉर्म का हो गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इंटीग्रेशन आया। तो देखें स्टूडेंट्स, बाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन, यहां पर ए था, यहां ए के स्थान पर क्या है रूट थ्री, तो रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, ए इज रूट थ्री प्लस सी। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां पर हमारे पास हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए एक्स और वाई के। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, अगर कॉस एक्स प्लस वाई है तो कॉस इसके लिए क्या लिखा जा सकता, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो क्या यहां पर हम वाई को और एक्स को सेपरेट कर पाएंगे? तो वाई को एक्स को किसी भी तरीके से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जब हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो हम इस क्वेश्चन को फिर कैसे जो है वो सॉल्व करें। तो देखिए
इसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं। देखें स्टूडेंट्स, सोल्यूशन दे रहा हूं इसका, क्वेश्चन का। गिवन दैट कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स, डी वाई इक्वल टू वन अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसे क्या लिखा जा सकता है, सेक्स एक्स प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स देखें, यहां पर हमारे पास में वेरिएबल सेपरेट नहीं किए जा सकते, तो हम क्या कर लेंगे, पुटिंग ऑन पुटिंग एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, जेड पुट कर देते हैं, ये कॉमा यूज किया गया, तो हमारे पास में क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। हम इसको क्या कर देंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, डी ओवर डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी ओवर डी एक्स जेड, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, वन, और बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई ओवर डी एक्स, क्योंकि बाई कॉन्स्टेंट थोड़ी है, बाई कॉन्स्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन जीरो होता, ऐसे जेड भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो हमारे पास में इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, डी बाई ओवर डी जेड ओवर डी एक्स, तो डी बाई ओवर डी एक्स क्या आया हमारे पास में, डी जेड ओवर डी एक्स माइनस वन, तो ये वैल्यूज हम यहां पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, जब सेपरेट हो रहे होते हैं तो कर लेते हैं, और सेपरेट नहीं हो रहे हैं एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू, तो एट दैट टाइम एक्स प्लस वाई विल बी पुट इक्वल टू जीरो। तो देखें स्टूडेंट्स इसे आगे सॉल्व करते हैं, डीवाई ओवर डी एक्स, डीवाई ओवर डी एक्स के स्थान पर क्या लिख दें, डी जेड ओवर डी जेड ओवर डी एक्स प्लस वन, सॉरी माइनस वन, क्या आया माइनस वन इक्वल टू सीक जेड, जेड बोल दिया इसके लिए। अब देखें जेड एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या पुट कर दिया, जेड, डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू वन को लेफ्ट साइड में ले लिया, सॉरी राइट साइड में ले लिया, लेफ्ट से सीक जेड, कुछ लोग इसे सेक जेड रीड करते हैं, कुछ लोग सीक जेड, तो वाट एवर यू आर प्रोनाउंसिएटिंग इट प्रोनाउंसिएट दैट। तो देख क्या करें, वन अपॉन वन प्लस सीक जेड डी जेड इक्वल टू डी एक्स, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन कॉस जेड डी जेड इक्वल टू डी एक्स। अब कॉस जेड अगर एलसीएम ले लेंगे, वन अपॉन कॉस जेड एलसीएम ले लिया, तो कॉस जेड प्लस वन, कॉस जेड प्लस वन, ये डी जेड एज इट इज रहेगा इक्वल टू डी एक्स, कॉस जेड न्यूमरेटर में पहुंच गया, अपॉन वन प्लस कॉस जेड लिख लें इसे डी जेड डी एक्स। अब क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ग्रेटिंग, तो देखें कॉस जेड अपॉन वन प्लस कॉस जेड डी जेड इक्वल टू डी एक्स, ये भी इंटीग्रेशन, ये क्या है स्टूडेंट्स,
इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले से यूज कर लें या लास्ट में, लास्ट इंटीग्रेशन करते समय, तो जैसा भी आप चाहें वैसा कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब यहां पर हमारे पास में क्या कर लें, कॉस जेड प्लस वन कर लें माइनस वन कर लें, वन ऐड कर दिया और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वन से वन कैंसिल हुआ, कॉस जेड ही रह गया, वन प्लस कॉस जेड एंड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या करें, कॉस जेड प्लस वन अपॉन इसे ले लेते हैं, सेपरेट कर लें, कॉस जेड प्लस वन, कॉस जेड प्लस वन प्लस कॉस जेड माइनस दिस अपॉन दिस, वन अपॉन वन प्लस कॉस जेड डी जेड इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां देखें ये क्या हुआ, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस इस कॉस जेड का, इस वन को कैंसिल करने के लिए फॉर्मूला यूज करें, जैसे हमारे पास में कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब हमारे पास में यहां पर अगर कॉस एक्स होता तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, हमारे पास क्या है कॉस जेड है, कॉस जेड इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर जेड बाई टू माइनस वन, ये यूज कर लिया जाएगा। तो देखो ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा उस पीरियड में, टू कॉस स्क्वायर जेड बाई टू माइनस वन और ये डी जेड, सॉरी डी जेड है स्टूडेंट्स, डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें इंटीग्रेशन चाहो तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा, ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा, ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन इस वन से ये वन कैंसिल आउट हुआ, टू कॉस स्क्वायर जेड बाई टू डी जेड डी एक्स प्लस सी। ये मैंने रफ वर्क दिखाया था, इसे आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ। अब देखें वन माइनस वन अपॉन टू और वन अपॉन कॉस स्क्वायर जेड बाई टू हो जाएगा सी की स्क्वायर जेड बाई टू डी जेड। तो देखिए स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन करते समय एक फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला क्या यूज होता है मैं आपको यहां रब किए देता हूं क्योंकि इसका वर्क हो गया, आगे यहां समझा देता हूं। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर जेड, तो ये टेन जेड हो जाएगा, और यदि ये इस तरीके से होता है सीक स्क्वायर ए जेड प्लस सी, तो इस पीरियड में ये स्टूडेंट्स वन अपॉन ए जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जेड का कोफिशियंट ए जो है वो वन अपॉन आया, और ये टेन और जो भी ये है वो लिख दिया जाता ए जेड प्लस सी, ये ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा। तो देखें स्टूडेंट्स वन का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में जेड हो गया माइनस वन अपॉन टू, ये तो ऑलरेडी है, इनटू यहां हमारे पास में किस प्रकार से है स्टूडेंट्स देखिए सीक स्क्वायर इसे
क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू जेड। ये तो देखे जेड का कोफिशियंट वन अपॉन टू है, तो वन अपॉन टू और सीक स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारे पास में टेन, और जो ये था वो वन अपॉन टू जेड। तो लिखते हैं वन अपॉन टू टेन, वन अपॉन टू जेड, वन अपॉन टू जेड इक्वल टू, यहां पर वन का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स हो गया प्लस सी। देखें स्टूडेंट्स इस टू से ये टू कैंसिल आउट हुआ, जेड टेन जेड बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। और जेड क्या लिया था हमने, जेड हमारे द्वारा लिया गया था स्टूडेंट्स, क्या लिया गया था, इस एक्स प्लस वाई को जेड एज्यूम किया था, इस एक्स प्लस वाई को जेड एज्यूम किया गया था। जेड के स्थान पर एक्स प्लस वाई ब्रेकेट हटा देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। देखिए x प्लस y माइनस टेन, ब्रैकेट यूज कर दें x प्लस y, z की जगह पर पुट कर दिया अपॉन टू इक्वल टू ये x प्लस c, तो इस x से ये x कैंसिल आउट हुआ, y इक्वल टू देखें स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, y इक्वल टू इस साइड को, इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए, टेन एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस सी, और ये स्टूडेंट क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया और समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त होगा कि मैं वीडियोस और बनाऊं, और मेरे स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं। कमेंट्स द्वारा जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरी वीडियोस किस तरीके से लग रही हैं, ये वीडियो कैसी लगी। तो देखें स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, अगर आपने तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।